मसीह कुदावन में आप सबको मेरा सलाम मेरा नाम कैरल है और मेरा ताल्लुक सेंट माइकल कैथलिक चर्च शारजा दुबई से है हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस लुका के जील उसका छठा बाप उसकी एकता पाँच आयातें मुक़दसा फिर एक सबक को यूं हुआ कि वो खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़ कर और हाथों से मल कर खाने लगे तब फरीसियों में से बास उनसे कहने लगे तुम क्यों वो काम करते हो जो सबक को करना रवा नहीं ये सुने उनके जवाब में कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं खाई और अपने साथियों को भी दी फिर उसने उनसे कहा कि इबन इंसान सबक का भी मालिक है पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो खुदावन का शुक्र हो खुदासुलमसी में सुनने वाली तमाम समातों की सलामती हो अजीज़ ममनिन मैं ब्रदर इरफान क्राइस्ट ओपी सेंटमिनिक प्रायरी भावलपुर से आज की मुबारक सुबह आप सबके साथ खुदामिसमसीख का जिंदा और जावेद कलाम बांटने के लिए हाजिर हुआ हूँ आज की पहली तलावत हमने क्रंतियों के पहले खात्मे से सुनी है पलूस रसूल क्रंतियों की कलिसिया से मुखातिब है क्रंतियों की वो कलिसिया जो मुख्तलिफ़ ग्रुपों में बट चुकी थी पलूस रोल आज हमें पेगाम देता है हम सीख की खातर दुख उठाते हैं हम सिक्की खातर बदनाम किए जाते हैं मशक्क़त उठाते हैं कोड़े खाते हैं बदनाम किए जाते हैं लोग हमें बुरा भुला कहते हैं लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं हम उनके जुल्म से सितम सहते हैं हम उनकी बदनामियों का नरमी से जवाब देते हैं सबकी गर्द की तरह हम रोंदे जाते हैं पलूस रसूल हम सहियों का हौसला बढ़ाते हैं वह हमें सिखाते हैं कि हमने किस तरह इन मुश्किल में बर्दाश्त करना है इन दुनिया इस दुनिया में रहते हुए ज़िंदा अलमसी की गवाही देनी है पालूस रसूल हमें लिखता है फरमाता है कि ये बातें मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं लिखता बल्कि पालूस रसूल अपने फ़र्जंदों की तरह हमें सेहत करता है पलो रसूल हमें फरजंद कहता है और फरमाता है कि चाहे मसीह में तुम्हारे दस हज़ार उसताद भी हों लेकिन तुम्हारे बहुत से बाप नहीं क्योंकि मैं ही अंजील के वसीले से मुसी यसू में तुम्हारा बाप हूँ उसी खुदांद में मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों आज की अनजील मुक़दस जो कि हमने मुकदसलूखा की अंजील में से सुनी है मुकदसलूख़ा की अंजील जिसमें यसुमसी फरीसीियों से मुखातिब है उन्हें सबद की अहमियत बयान करता है सबक के बारे में बताता है जब फरीसी यसुमसी के शागिर्दों पर चीनी करते हैं उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं जब वो रास्ते में चलते चलते खेतों में से गुज़रते हैं और बालें तोड़कर खाने लगते हैं सबक का दिन है फरीसी उन्हें मना करते हैं यसु को फरमाते हैं अपने शागिदों को मना कर क्योंकि ये शब्द को नापाक करते हैं यहूदियों के नज़दीक फ्रिसियों के नज़दीक सबक का दिन पाक दिन है ये वो दिन है जिस दिन कोई काम ना किया जाए लेकिन यसुमसी उन्हें फरमाते हैं क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर जिनका खाना कहनों के सिवा और किसी को रवा नहीं खाई और अपने साथियों को भी दी मेरे अजीज़ों सबक इंसान के लिए बनाया गया है ना कि इंसान सबक के लिए बनाया गया है और सबक का मालिक इबन इसाना खुदाम यसुालमसी है हमारा खुदा यसुालमसी साहब इख्तियार है सबक का मालिक है हर चीज़ उसके इख्तियार में है वो जो चाहे कर सकता है वो सबक के दिन मौजात करता है काम करने का फरमान जारी करता है हम काम कर सकते हैं खा पी सकते हैं इसी तरह मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों आज के दिन हम आलमगीर कलेसिया के साल मुकदस ग्रेगरी अजीम का योम यादगार भी मनाते हैं मुकदस ग्रेगरी 540 सौ चालीस खेसिन में रोम के एक शाही ख़ानदान में पैदा हुआ इस ख़ानदान का खुदा और उसकी मुकदस हैकल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था मुकदस ग्रैगरी का बाप रोम में रोम के शहर में बतौर सैनिटर अपनी खिदमत सर अनजाम देता था और गिरजाघर में भी आला खिदमत पर मामूर था मेरे अजीज़ों मुकदस ग्रेगरी की वालदा और उसकी दो खालाएं मुक़दसन का रुतबा रखती हैं मुकदस ग्रेगरी का दादा पोफेलिक्स फेलिक्स सोम पोप रह चुके थे ग्रेगरी एक पढ़ा लिखा खुशख़त लिखारी कानूनदान अदीब और ममता था लातीनी से अच्छी जानकारी जबकि यूनानी से बिल्कुल अनजान था सबसे पहले ग्रेगरी ने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए सरकारी मुलाजमत इख्तियार की और उसे बहुत जल्द तैंतीस साल की उम्र में शहर के सबसे बड़े सरकारी अहदे पर तैनात किया गया इसी बंदाई खुदा ने अपने घर में मुकदस इंद्रियाज के राहबों के लिए एक राहब खाना भी तामीर करवाया अपने वफा, बाप की वफात के बाद ग्रागरी ने रहब बाना जिंदगी को अपना लिया और एक रहब राहब बनने की गरज से मुक़दस इंद्रियाज के राहब खाना में चला गया वहाँ आपने दुआ और मराकबा के ज़रिए खुदा के गहरे फजल का तजर्बा तो किया आप संजीदा तबीयत के इंसान थे मेरे अजीज़ों आए आज हमारे लिए जिस तरह मुक़दस मछले राह हैं हमारी ज़िंदगी के लिए नेक नमूना है। हमें राह रास्त पर लाने के लिए कोशिशें करते हैं हम इन मुक़दसन की नेक के नेक नमूना को अपनाएं। उनकी बातों पर अमल करें ख़ुदा की कलाम पर जो आज हमारे सामने पेश किया गया है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हम सब भी खुदा यूसुआलमसी के मकबूल नज़र ठहर सकें उससे फैस पा सकें उससे नमतें फसायल और बरक़ात हासिल कर सकें हमेशा अपनी जिंदगियों से अल जिंदा अल-मसीह की गवाही पूरी दुनिया में जी सकें और अल-मसीह की खातर अगर हमें दुख भी उठाना पड़े तकलीफ़ें सहनी पड़ें अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ें तो हम तैयार हैं। कमसी खुदांद हमें ऐसा करने का फ़ल अता करे। आमीन